ने जिन को बंद कर दिया था। मैंने 4 महीने पहले बताया था पेपर लीक हुआ है शिक्षा संकुल से। जिस दिन लीक हुआ बोर्ड का अध्यक्ष डीपी जारोली जी और डॉक्टर प्रदीप पारा सर और रामकृपाल मीणा वहीं थे। रामकृपाल मीणा एक प्राइवेट व्यक्ति है, 33 में से 32 जिलों में एडीएम कोऑर्डिनेटर थे और एक जिले में प्राइवेट आदमी को कोऑर्डिनेटर बना दिया पारासर जी को। पारासर जी ने अपने खास आदमी को पेपर पकड़ा दिया रामकृपाल मीणा को, रामकृपाल मीणा ने अपने दर्जनों प्राइवेट आदमी को पेपर पकड़ा दिया और एक ही आदमी को अभी तक आया है, एक ही आदमी को पेपर दिया 1,22,00,000 में। अभी तो पूरा हिसाब लगेगा, 400-600 करोड़ का घोटाला राजस्थान में हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला किया राजस्थान की सरकार ने। और इसमें तो अभी मैं नाम उजागर करूँगा जो भी राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और CMO के ब्यूरोक्रेट्स भी। कार्रवाई कुछ नहीं, कार्रवाई क्या की, एक तो बत्ती लाल को पकड़ दिया, एक दिलखुश को पकड़ लिया, 2 बत्तीलाल के भाइयों को पकड़ लिया जो बेचारे वो मजदूरी करते हैं। वो तो यूं ही थी चलती फिरती मछलियाँ, मगरमच्छ भी अभी जारोली गिरफ्तार होगा जब मानेंगे सरकार को, क्योंकि जारोली फिर बताएगा, बड़े खुलासे करेगा, नहीं करेगा तो मैं खुलासा करूँगा मीडिया के सामने, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जानबूझ के घोटाला किया है सरकार के कुछ लोगों ने मिलकर। और ये मुख्यमंत्री जी की नोटिस में भी डाल दिया गया था समय पे, लेकिन उन्होंने तो कार्रवाई नहीं की। भाई बत्ती लाल और 4-5 को पकड़ के छुट्टी करना चाहते थे, लेकिन मैं SOG के दफ्तर के सामने बैठ गया धरना देके, तो ये भजन लाल पकड़ा गया, भजन लाल ने बता दिया, उदाराम को रामकृपाल को पकड़ा, अकेले को 1,22,00,000 का पर्चा बेचा है। तो बहुत पर्चे बिके। मेरे यहाँ बगल में थाना है बालघाट, यहाँ 3 लोगों ने 90-90,00,000 इकट्ठे किए थे रीट के पेपर में, और उनमें तीनों में झगड़ा हो गया तो 2 ने मिलकर एक का मर्डर कर दिया, 302 का मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तार हो गए जिन्होंने रीट का पेपर लीक किया है। लेकिन आज तक SOG ने उनसे जांच नहीं की, पूछताछ नहीं की। तो ऐसे पूरे राजस्थान में चहु और एक खंडार से पकड़ा है, उसकी घरवाली जोधपुर में जाके बैठी थी परीक्षा में, है ना, तो उसको पेपर दिया गया, वहाँ 5,000 का और पेपर दे दिया। तो जो घरवाली को गिरफ्तार हूँ वो तो की नहीं, पति को कर लिया, छूट के आ गया, घरवाली मास्टर भी बन गई और पेपर भी लीक कर दिया, इस ढंग की धांधली हुई है। CMO इन्वॉल्व है, शिक्षा मंत्रालय के बड़े नेता और अधिकारी इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं इसमें, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो खुलासा करें, इस बात को उजागर करें कि कौन कौन राजनेता शामिल है। CMO की तो मैं ही कह रहा हूँ, एक बड़े मंत्री, दो बड़े मंत्री और 3-4 ब्यूरोक्रेट्स की तो मैं ही कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ और अब परसों भी कही है और अब भी कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि आज CMO तक जाएगी, बड़े मंत्री तक जाएगी, इसलिए SOG उन पर हाथ नहीं डालेगी, तो उन पर हाथ नहीं डाल सकती। तो मेरी मांग CBI की है कि CBI से जांच कराई जाए। अब एग्जाम तो होनी चाहिए, जब आप 26,00,000 बच्चों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, उन 30,000 में 15,000 तो वो लोग हैं जो पेपर टीप करके मास्टर बने हैं।